बात करिए तो अमदावाद वासीओ गरमी माटे तैयार रहेशुं। अमदावाद में बे दिवस बाद बपोरे गरमी वधी शके छे। घणा विस्तारों में लघुत्तम तापमान वधी शके छे। राज्य में पांच दिवस वातावरण सूकू रहेशे। नेक्स्ट फ्राइडे के लिए भी ड्राइवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जहाँ तक मिनिमम टेम्परेचर की बात है वो ग्रेजुअल राइज होने का चांस है नेक्स्ट फ्राइडे के लिए, और बाकी कुछ वार्निंग्स कुछ नहीं है अभी। जैसे हम एक्सपेक्ट करें अभी नेक्स्ट डे में गुजरात दिन में अभी एक दो दिन में भी आपका मिनिमम टेम्परेचर राइज हो जाएंगे। अभी जो 13 आ रहा है अहमदाबाद में 15-16 तक जा सकता है, और जो अभी मैक्सिमम टेम्परेचर भी देखा जाए 9 लाख चेंज रह चुके, फिर भी बहुत सारे जगह पे 35 के आसपास टेम्परेचर आ चुके हैं। कच्छ में है, सुरेंद्रनगर में और अहमदाबाद देखा जाए 34 है, बट वो सब टेम्परेचर ऐसे रहने वाले, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो हजु पण मार्च सुधी बेवड़ी ऋतुनो अनुभव करवो पड़शे। मार्च नी शुरुआत थी आकरा उनाळानो प्रारंभ थशे। हजु 10 थी 12 दिवस डबल सीजनो अनुभव रहेशे। सवारे अने रात्रे ठंडी, जयरे बपोरे गरमीनो अहसास थशे। 10 थी 12 दिवस बाद आकरो उनाळो शुरू थशे। अभी मैंने जैसे डबल सीजन है, जब आपके नाइट टेम्परेचर आपकी जैसे अहमदाबाद 13 आ रहा है और मैक्सिमम आ रहा है 34 के आसपास, तो मतलब आपके विंटर का भी है और ट्रांसिशन सीजन जैसे ना आपको विंटर से समर हो रहा है उसी में आपको ये फ़र्क दिख रहा है। देखो आपकी ट्रांसिशन सीजन जैसे मतलब फरवरी रहेगा, मार्च तक हमारा समर सेट हो जाता है, तब तक ये डबल सीजन सीजन आ रहा है।